बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी कुकिंग माय स्टाइल। आज मैं बना रही हूँ मटन वाइट कढ़ाई, डिफरेंट स्टाइल से बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की ये कढ़ाई है। तो आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है कि मैं मटन वाइट कढ़ाई कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 4 टेबलस्पून, तो ये इसमें मैं डाल दूंगी और ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन लिया है और अदरक लहसुन को सोते कर लेंगे। अदरक लहसुन सोते हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी मटन। मटन मैंने लिया है 1/2 किलो, इसमें डाल दूंगी, मिक्स करूंगी और 5 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूंगी मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने मटन की भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 लीटर पानी, 1 जग, ठीक है, ये इसमें डाल दूंगी। मिक्स करेंगे और कवर करके मैं 20 से 25 मिनट तक इसको कुक कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे। 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मटन है वो भी गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। मैं डालूँगी इसमें नमक, काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद मिर्च का पाउडर। नमक मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। तो ये इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, वो इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। साथ साथ भुनाई करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्चें, मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, ठीक है, इनको मैंने ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लिया है 1 टेबलस्पून पानी डाल के। वाइट वाले मैंने प्याज लिए हैं, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके प्याज डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया है, मिक्स कर लूंगी। जो मैंने पहले प्याज डाले थे उसका पानी ड्राई हो गया है, अब मैं ये बाकी के प्याज डाल दूंगी और इनको मिक्स कर लूंगी, सारा डाल दूंगी, मिक्स कर लूंगी और इनका भी पानी हम ड्राई कर लेंगे। पानी हमारा ड्राई हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी दही। यहाँ पर मैंने दही ली है 1 कप। अब दही में मैं मिक्स करूंगी ज़ीरा पाउडर, मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। इसमें डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर पानी सारा ड्राई हो गया है और अब मैं इसमें दही डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी। तब तक हम पकाएंगे जब तक दही का पानी ड्राई ना हो जाए। पानी हमारा ड्राई हो चुका है और कढ़ाई भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम बंद करूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी क्रीम। क्रीम का मैं 1/2 पैकेट डालूंगी और मिक्स कर लूंगी। याद रखिए कि आपने पहले क्रीम नहीं डालनी, अगर आपने पहले क्रीम डाली तो वो फट जाएगी, इसलिए आपने हमेशा फ्लेम बंद करके क्रीम लास्ट पे डालनी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
अब मैं इस पर गार्निशिंग करूंगी हरी मिर्चों की, इस पर गार्निशिंग कर दूंगी। तो रेडी है हमारी मटन वाइट कढ़ाई। आप इस कढ़ाई को लाजमी ट्राई करें और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।